शरमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती कृपा आपको प्राप्त हो। बताना चाहूंगा नवरात्रों में जो चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है, वो माता कूष्मांडा का है। माता कूष्मांडा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। मनोहर सुंदर स्वरूप माता का है, मनभावन स्वरूप है, और जो आदि व्याधि जो आरोग्य जीवन में लगे हुए उनको दूर करने वाली है। माता का वाहन सिंह है, सिंह पर सवार माता ध्वजा लहराते हुए हाथ में कमंडल चक्र सुदर्शन चक्र अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र तलवार से विराजमान होते हुए माता अनेक प्रकार के जो मन में जो विषय विकार हैं, जो राक्षस के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, उनको दूर करने में माता शक्ति प्रदान करती है। माता का प्रसाद उस दिन मिश्री का लगता है। मिश्री के साथ में आप नारियल सुपारी लौंग इलायची आदि चढ़ाएं। और माता का जो मंत्र है, ओम श्री चंद्रघंटाय नमः, ओम श्री कूष्मांडाय नमः, इस प्रकार आप मंत्र का जाप करते हैं। ओम श्री कूष्मांडाय नमः कम से कम 108 बार आप मंत्र का जाप करें तो अवश्य ही माता कूष्मांडा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आपके मन में, आपके विचारों में एक प्रकृति के स्वरूप एक बदलना शुरू हो जाता है। सात्विक विचार आपके आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। शरमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती कृपा किस प्रकार आपको प्राप्त हो। मैं दर्शकों को भक्तों को यही बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती कृपा आपके अनुकूल, आपके वातावरण के अनुकूल, आपके रहन सहन के अनुकूल आपकी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो ये विधि पूजा की आप समझिए कि माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए जो पूजन का जो विधि है वो विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम माता का आप आह्वान करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए इस प्रकार कि आगच्छो भगवती देवी स्थाने चात्र स्तर भव यावत पूजाम करिष्यामि तावत तुम सन्नम भव। हे माँ भगवती, हमारे घर में आकर के आप विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें और जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल ही हमको, हमारे परिवार को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। इस प्रकार माता का आप आह्वान करें। इसके बाद दर्शकों को बताना चाहूंगा पूजा की विधि। सर्वप्रथम सुंदर चौकी माता के लिए विराजमान करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, माता की मूर्ति, माता की तस्वीर विराजमान करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता, 9 दिन तक आप हमारे यहाँ कृपा बनाए रखना। चाहे महाकाली के रूप में हो माता, चाहे महालक्ष्मी के रूप में हो माता, या सरस्वती के रूप में हो, तीनों प्रकार की शक्तियां हमको प्राप्त हो। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम माता को चौकी पर विराजमान करते हुए उसके उपरांत धूप दीप नैवेद्य फल मिठाई माता को अर्पण करते हुए कलश की स्थापना करें। कलश के बारे में बताना चाहता हूं कि कलश एक ब्रह्मांड का स्वरूप है। जो हमारा ये ब्रह्मांड है पूरा, उस ब्रह्मांड का स्वरूप शुभ कलश है, जो अमृत कलश। आपने सुनी हुई कथा मार्कंड पुराण में, मार्कंड ऋषि बताते हैं कि अमृत कलश माता का जो कलश है ब्रह्मांड का स्वरूप है और उस कलश पर ही गौरी गणेश की भी पूजा होती है। मिट्टी का एक कलश लें और उसमें गंगा जल डालते हुए शुद्ध जल से उसको भरें, मौली कलावे से बांधते हुए स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक गणेश लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा कार्य करते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को मनाते हैं, क्योंकि प्रथम देवता हमारे गणेश जी हैं। तो गणेश जी का पूजन करते हुए, गौरी का पूजन करते हुए आगे पूजा में प्रवेश करते हैं कि कलश को विराजमान ऊपर आम के पल्लव, आम का जो पल्लव है वो साक्षात माँ भगवती का रूप है दर्शकों, क्योंकि आपने देखा होगा बसंत रूप इसी समय चैत्र शुक्ल पक्के से ही आपने देखा होगा आम के पेड़ों पर जो गुंजर लगता है, जो आम के जो पुष्प आता है, जो फूल आता है, उसी फूल से आम का फल प्राप्त होता है। तो शुभ अमृत कलश पर आम के पल्लव विराजमान करें और उसके बाद श्रीफल नारियल विराजमान करते हुए माँ भगवती को प्रणाम करें और फिर 33 करोड़ देवता, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और आपके इष्टदेव कुलदेव पितृदेव सब देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि सर्वदेव जो कलश है, जो रुद्र कलश हमने विराजमान किया है,
जो घट हमने विराजमान किया है उस पर विराजमान होते हुए हमारी पूजा को आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। इसके बाद आता है जौ बीजे जाते हैं, देखा होगा आपने, मिट्टी का कोई बड़ा पात्र लेते हैं या कोई परात वगैरह लेते हैं, उसमें हम जौ को बीजते हैं। तो जौ क्यों बीजे जाते हैं? क्योंकि प्रकृति की जो पहली फसल है, बसंत ऋतु की जो पहली फसल है, ये जौ के रूप में हमको प्राप्त हुई है सृष्टि से। तो हम, हमारा ये प्रेम बन जाता है, हमारा ये लगाव बन जाता है, हमारे पूजा का विधान बन जाता है कि सर्वप्रथम जो प्रकृति ने हमें दिया है, हम प्रकृति को ही वो चीज भेंट करते हैं। तो जौ की जो फसल है सर्वप्रथम हमको इसी सृष्टि से प्राप्त हुई, इसी समय प्राप्त हुई, तो हम जौ बीजते हैं और फिर उन जौओं को माता को अर्पण करते हैं। इसके बाद में अखंड ज्योति, अखंड ज्योति का बहुत विशेष बड़ा विधान है। घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति जब जलाते हैं घर के अंदर तो प्रतिपदा से ही पहले दिन से ही ज्योति जलना शुरू हो जाती है। अखंड ज्योति एक नेगेटिव जो ऊर्जा हमारे घर में बनी हुई है उसको पॉजिटिव करती है। उसका जो ओरा, ज्योति का जो ओरा है, वो इस प्रकार से फैलता है घर के अंदर कि उसके ओरा के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं और मन में हमारे में जो असंतोष था, जो खेम था, जो रोग था, जो पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। क्योंकि ज्योति साक्षात परमात्मा का, मां शक्ति का, दुर्गा का ही स्वरूप है और पृथक कर्म देवता जो हमारे, जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, उसको पृथक रूप से देखने वाली माँ भगवती देवी ज्योति के रूप में हमको देखती हैं। तो ज्योति, अखंड ज्योति अवश्य जलानी चाहिए। घी की जला सकते हैं, तिल के तेल की जला सकते हैं और ज्योति जलाते हुए उसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि 9 दिन तक उस घर के अंदर आपका वास रहे। ऐसा नहीं हो कि घर को आप बंद करके कहीं बाहर चले जाएं, कई बार ऐसा देखा गया है, तो वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। घर को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अखंड ज्योति जलाएं। और एक दूसरी बात मैं दर्शकों को, भक्तों को एक चीज बताना चाहूंगा कि एक ऐसा विषय है कि यहाँ पर कई प्रकार से लोग परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम अगर 9 दिन ज्योत नहीं जला पाए या गलती से हम भूल गए तो क्या करें। कई लोगों को, भक्तों को आपने देखा होगा कि लोग जोड़े से व्रत रखते हैं, 9 दिन पूरे नहीं रखते। तो जोड़े से जो व्रत रखते हैं, जिस दिन वो व्रत रखते हैं उस दिन भी वो अखंड ज्योति जला सकते हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए जलाएं, चाहे वो 1 दिन के लिए जलाएं, अवश्य वो ज्योति जलाएं। कि ज्योति जलाने से हमारे मन में एक संतोष प्राप्त होता है, एक ओरा बनती है, एक घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रकाश फैलता है। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा जो हमको बहुत जरूरत है, हमें परिवार के लिए, घर सुख समृद्धि के लिए, सुख के लिए, प्राप्ति के लिए, तो बहुत जरूरी है। तो अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी चाहिए। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए दर्शकों, सभी भक्तों से, जो माता के भक्त हैं, जो माता की पूजा में हैं, जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनसे बताना चाहूंगा कि माता को नवरंग बहुत विशेष प्रिय है। नवरंग में माता को पीला रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग, सुनहरा रंग, काला रंग, जो कालरात्रि माता का रंग है, इसके बाद माँ सरस्वती का रंग है, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि नीला, बैंगनी, गुलाबी, हरा, इस प्रकार जो रंग है ये माता को आप अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि नव ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड में है, जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, उनका जो प्रभाव, अगर दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में आ रहा है तो अवश्य दूर हो जाता है। क्योंकि जो नवग्रह हैं वो माता की सेवा में रहते हैं, माँ भगवती की परिक्रमा लगाते रहते हैं। जब हम नवरंग का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं और नवरंग माता को चढ़ाते हैं तो अवश्य समझिए कि माँ भगवती की कृपा आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है।